गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद में मैंने आपको डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में बताया। इसके बाद हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था करंट सोर्सेज एंड वोल्टेज सोर्सेज। जब आपको ऑनलाइन नोट्स हमने प्रोवाइड कराए थे तो उसमें मैंने मैग्नेट नाम के चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें मैग्नेट के चैप्टर को मैंने कंप्लीट जरूर किया था, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है। मैग्नेट मैग्नीशियम नामक स्थान पर पाया जाने वाला पत्थर, उसको मैग्नेटाइट कहा गया और बाद में उसे मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचर में पाया जाता है, एक आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि ह्यूमन मेड मैग्नेट है, और उसी का जो सबसे ज्यादा रिफॉर्मिंग जो नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए एक आयरन कोर हमारे पास होनी चाहिए जिसकी परमिएबिलिटी हाई रहनी चाहिए। परमिएबिलिटी का मतलब आप जानते हैं चुंबकशीलता, जिसकी वैल्यू आयरन के लिए सबसे ज्यादा होती है 1000 के आसपास। तो यदि हम इस आयरन कोर पर सर्कल फॉर्म में इंसुलेटेड वायर से टर्न लगाकर उसमें आई करंट फ्लो कराए तो यह एक मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। नेचुरल मैग्नेट के मुकाबले आर्टिफिशियल मैग्नेट की विशेषता यह है कि इसके मैग्नेटिज्म को हम करंट के आधार पर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मैं इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करूं तो H बराबर N इंटू आई अपॉन L। N उस सॉलिडॉइड पर लगाए गए टर्न की संख्या को इंगित करता है, I उसमें फ्लो करंट है, जबकि N उसके मैग्नेटिक पाथ की लंबाई है। ओवरऑल इस N इंटू आई की यूनिट एम्पियर टर्न दी जाती है और इसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मैग्नेट की आगे की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा हूं। मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह कण पिंड या कोई अन्य मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करेगा वह फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी चुंबकीय बल रेखा है। वन बाय वन करके यदि मैं यहां पर नोट करूं जो कि मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई थी, मैग्नेटिक फील्ड कई बार बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के एग्जाम में एक नंबर में यह पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र जिस पर कोई यूनिट नॉर्थ पोल यदि रखा जाए तो उसकी जो दिशा होगी उसको प्रदर्शित करने वाला कर्व ही चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। चुंबकीय बल रेखा को जिस लाइन से प्रदर्शित हम कर रहे हैं ऐसी कई लाइन मैग्नेटिक फील्ड में हो सकती है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं के योग को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए। फाई की जो यूनिट होती है वो वेबर। वन वेबर फ्लक्स कितने के बराबर होगा ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। यदि किसी चुंबक के चारों मैग्नेट के चारों 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल
मैक्सवेल लाइंस। देन फ्लक्स डेंसिटी, पर यूनिट एरिया से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा उसे उस स्थान पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी। बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वेपर पर मीटर स्क्वायर। निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने इसमें काम किया था, तो इसकी यूनिट को टेस्ला भी कहते हैं कई जगहों पर, तो वेपर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को ये डेफिनेशन याद कर लेना चाहिए और इसके फॉर्मूले भी जो है कई बार लिख करके देख लेना चाहिए। इसके बाद चुंबकत्व, तो वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में एमएमएफ कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ईएमएफ जो कि करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी प्रकार एक मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेबलिश करने के लिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स आवश्यक है। इट मींस मैग्नेटोमोटिव फोर्स वह फोर्स है जो किसी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित करता है। इसे एमएमएफ से ही प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम भी एमएमएफ और इसे प्रदर्शित भी हम एमएमएफ से करते हैं। एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एम इनटू आई। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो एमएमएफ है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने कॉइल में कितने टर्न लगाए थे और उसमें हमने कितनी करंट फ्लो कराई है। तो यहां से हम इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर पर से दिखा सकते हैं, एमएमएफ बराबर एम इनटू आई। तो ये चौथी डेफिनेशन जो कि मैं ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको ये याद कराने के लिए बार-बार डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी और उसके बाद एमएमएफ, इन चार डेफिनेशंस को प्रत्येक स्टूडेंट्स याद रखेगा। और उसके बाद फिर मैं आपको इससे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की शुरुआत करूंगा।